नमस्कार, राजस्थान की इस जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर सीरीज में आपका स्वागत है। जैसलमेर में दर्शनीय स्थल जैसे सम्स सैंड ड्यून, कैमल सफारी, जीप सफारी, जैसलमेर फोर्ट, गड़ी सागर लेक, बड़ा बाग, लोंगेवाला बॉर्डर, कनोट माता टेंपल जैसे दर्शनीय स्थल देखने के लिए आप मेरे पैक फॉर यात्रा यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और राजस्थान की इस सीरीज का लुत्फ उठाएं। और ये गिलहरी के बाल से बनाया जाता है, एक बाल का ब्रश होता है और इसको आपको पूरे इसकी डिटेल देखना है तो इसको मैग्नीफाई से आपको देखना पड़ेगा। और इसके लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने मुझे फर्स्ट प्राइज का सर्टिफिकेट भी दिया था। और इसकी एक एक फेदर्स में आप इसकी डिटेल देख पाओगे। जैसे हम देखें ये सांस रोक के काम करने वाला है, क्योंकि कोई भी हार्ड डॉट जो हार्ड हो गया तो इसमें रीटचिंग नहीं होता है, तो बहुत केयरफुल वर्क करना पड़ता है इसको। ये एक्सपीरियंस हो गया कंटिन्यू करते करते, हाथ का और आईज का तालमेल हो गया इसमें। अब हम जैसलमेर के तीसरे दिन जैसलमेर फोर्ट में दोबारा से जा रहे हैं, क्योंकि उस दिन हमारा मिनिएचर आर्ट देखना रह गया था। जिनके पास आज हम जा रहे हैं उनके बड़े बड़े टीवी चैनलों पर उनके बारे में प्रोग्राम आ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं जैसलमेर का मिनिएचर आर्ट। अब हम जहाँ पर पहुँच चुके हैं किले के पास, यहाँ राजा रानी का महल है। तो जब अब हम जहाँ पर मिनिएचर आर्ट देखने आए हैं, सर आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम कानू स्वामी। सर आपके आर्ट में हमें आज क्या दिखलाएंगे जहाँ पर? मेरा ये स्पेशल वर्क है, ट्री मेरी स्पेशलिटी है। और ये पिक्चर्स हम बना रहे हैं गिनीज बुक के लिए। तो इसके अंदर बनाते समय इसके लीज को मैंने काउंट किया है, इसमें 6,250 लीज मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, लेकिन अभी बहुत कम है। मुझे इसी साइज़ के अंदर 3 times मोर लीज चाहिए, तो लीज को छोटा करके एक ट्राई और करना होगा। और ये सब नेचुरल कलर से बनाया गया पेंटिंग है, इसमें ओल्ड हैंडमेड पेपर और नेचुरल कलर। और ये गिलहरी के बाल से बनाया जाता है, एक बाल का ब्रश होता है इससे ये छोटे छोटे। और इसको आपको पूरे इसकी डिटेल देखना है तो इसको मैग्नीफाई से आपको देखना पड़ेगा। पूरा इंडिविजुअल लीज विथ 3 dimensions देखने को मिलेगा इसमें। अब लेंस कीजिए आगे माना। कितना टाइम लग गया सर इसको बनाने में? पूरा 2 weeks लग गया। कितना टाइम डेली आप लगाते? 10 hours डेली बैठता हूँ सर। सर जी, सर थैंक यू सर जी। और आपकी और कोई जहाँ? मेरी दूसरा मेरी स्पेशलिटी है बर्ड्स बनाना, तो मेरे हर इस बर्ड्स के अंदर भी वही चीज़ है। इसके अंदर हर फैदर्स में आप इसकी कारीगरी देख पाओगे, एक एक छोटे छोटे फैदर्स में आप डिटेल देखेंगे। इसको 28 days में रेडी किया था और इसके लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने मुझे फर्स्ट प्राइज का सर्टिफिकेट भी दिया था, इसलिए इसको नॉट फॉर सेल रखा है मैंने। ये 2002 और 2003 में मिला था मुझे, इसलिए स्टे है इसको। दिखाएंगे आप एक बार फिर से? वाह, वेरी ब्यूटीफुल। इसके अलावा कुछ मैं सिंगल कलर में बना दूँ ब्लैक इंक से, तो जैसे ये पिक्चर है, इसको हम श्याम कलम बोलते हैं, श्याम मतलब काला कलर। और इसकी एक एक फैदर्स में आप इसकी डिटेल देख पाओगे। जैसे हमने, वाह सर वाह, क्या बात है, वाह। और ये जब काम होता है तो सांस से एकदम रोक के काम करना पड़ता है, ताकि कोई भी डॉट हार्ड ना हो, एकदम स्मूथनेस बना रहे। जैसे ये कलर में टाइगर बना है, ये सब नेचुरल कलर से बना हुआ पेंटिंग है ये। वाह सर वाह, देखें शायद कैमरा में आपको दिखाई पड़ जाए। वाह, नीचे वाला भी सर एक बार फिर दिखा दीजिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कैमरा। यहाँ पे जितना भी ये काम है वो मिनिएचर टेक्निक का काम है, सिंगल हेयर का काम होता है सारा। इसके बेहतरीन वर्क देखेंगे तो ये वाला है, इसकी स्किन आपको ऐसे लगेगा लुक लाइक वेलवेट। और अब इसे देखो, इसके स्ट्रोक, ये सांस रोक के काम करने वाला है,
हो कि कोई भी हार्ड हो, डॉट जो हार्ड हो गया तो इसमें रीटचिंग नहीं होता है, तो बहुत केयरफुल वर्क करना पड़ता है इसको। जी बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी सुंदर, अति सुंदर, बहुत बढ़िया आर्ट है। ये सभी आपने अपने हाथों से बनाया हुआ है शॉप में जो भी कुछ है? ये मैं 30 साल से ये काम कर रहा हूँ, और स्कूल या कॉलेज नहीं, ये फैमिली ट्रेडिशन है हमारा। आपकी फैमिली ट्रेडिशन है, कितनी पीढ़ियों से आप? 5 जनरेशन से बन रहा है। मेरा जैसे अभी लड़का है 20 ईयर ओल्ड है सर, इसके द्वारा बनाया गया ये पोर्ट्रेट है, इसके द्वारा बनाया हुआ ये पोर्ट्रेट है। ये सभी जो तस्वीरें हैं दिखाई दे रही हैं, ये देखने में कुछ सैंपल लग सकती हैं, पर अगर आप इनको बारीकी से ध्यान से देखें या किसी जूम लेंस की मदद से देखें तो जो कारीगरी है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इनकी जो पत्तियां वगैरह हैं वो 3D दिखाई देती हैं, और उनका एक ख़ास पैटर्न है, डिज़ाइन भी है। हमें तो बहुत पेशेंस है सर। जी सर, ये एक्सपीरियंस हो गया कंटिन्यू करते करते, हाथ का और आइज का तालमेल हो गया इसमें। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पैक फॉर यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम जैसलमेर के किले में दोबारा से आए हैं। उस दिन हमें ये जो मैनेचर आर्ट भाई साहब करते हैं इनके बारे में बहुत कम मालूम था, हमने आज इनको जहाँ पर ढूंढ ही लिया है, जो जहाँ पर राजा रानी के महल दशहरा ग्राउंड है उनके पास ही ये अपना काम करते हैं, और हमें इनसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। और बहुत जो उनका आर्ट है वो काबिल तारीफ़ है। आप जब भी जैसलमेर आएँ और जैसलमेर का फोर्ट एक्सप्लोर करें तो इनके पास आप 15-20 मिनट निकाल कर जरूर आएँ, और इनकी कला का आप देखें क्या जादू है। और भाई साहब ठीक है सर, आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जैसलमेर का मिनिएचर आर्ट हमने देख लिया है, और अब हम जाएंगे शापित गांव कुलदारा की ओर, और वहां से हम जैसलमेर के मशहूर सम सैंड ड्यून्स की तरफ जाएंगे। तो आगे के एपिसोड देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।